मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सुशीला बलूनी के डोभालवाला स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। 30 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। चौहान ने बताया कि अभियान में सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाएगी। भाजपा सांसदों की अगुवाई में 15 मई से 15 जून तक अभियान चलेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में चलने वाले अभियान में उत्तराखंड में भी विभिन्न वर्गों वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ संपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे। 30 मई को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। इसको लेकर के भाजपा राष्ट्रीय स्तर एवं प्रदेश स्तर पर व्यापक तैयारी कर रही है। 15 मई से लेकर और 15 जून तक हमारे सभी सांसदगण अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे और इसके तहत जो हमारी केंद्र की सरकार की जो हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आम व्यक्ति तक उनका लाभ मिल सके, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। रुड़की का इकबाल, शुगर मिल हमेशा गन्ना भुगतान को लेकर चर्चाओं में रहता है। शुगर मिल पर करोड़ों रुपए का भुगतान चला आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर 24 घंटे के धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर गन्ना भुगतान को लेकर वार्ता असफल होती है तो धरने को और विस्तार दिया जाएगा। धरने पर किसान व कांग्रेसी नेता जमे हुए हैं। चीनी मिल को बकाया है, कुछ मजदूरों का भी है, उनके सवाल भी है, तो उनको हल करो, उनको हल करो। और आप स्वीकार कर रहे हैं तो उसको हल करने में हल तो शासन ही करेगा, तो हम उस हल की प्रतीक्षा में हैं। और हल कैसे होगा इसके लिए हमने अपनी बुद्धि से कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें हमने सॉफ्ट लोन देने की बात कही है कोऑपरेटिव बैंक से। हमने जो फ्लाईओवर है उसके मिलने वाले मुआवजे को टोटली किसानों को ट्रांसफ़र करने की बात कही है। हमने कहा है कि चीनी मिल मालिक खुद भी अपने रिसोर्सेज से कुछ पैसा इकट्ठा करें, इतना पैसा किसानों को मिल जाए ताकि आगे के लिए किसान की उम्मीद बनी रहे। देहरादून नगर निगम देहरादून शहर को स्वच्छ बनाना चाहता है ताकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देहरादून अच्छी रैंक हासिल कर सके। इसी बीच देहरादून नगर निगम अब देहरादून की कई जगहों से डस्टबिन हटा रहा है। दरअसल देहरादून में रहने वाले कई लोग आज भी कूड़ा गाड़ी में कूड़ा डालने की बजाय बाहर ही कहीं कूड़ा डाल देते हैं। डस्टबिन के बाहर भी लोग गंदगी करके रखते हैं, इसलिए देहरादून नगर निगम देहरादून को डस्टबिन फ्री सिटी बनाने को जा रहा है ताकि कूड़ा गाड़ी सीधे घर से कूड़ा उठाकर डंपिंग जोन लेकर जाए, जहां से कूड़े का सही से निस्तारण हो सके। शहर के मुख्य मार्गों में जो हमारे बिन्स वगैरह रहते थे उन लोगों को, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके कई क्षेत्रों को जो है बिन मुक्त कर दिया गया। जैसे सिल्वर सिटी वाला एरिया था, आनंदम के सामने था, इसी प्रकार से जो है हमारा माता मंदिर रोड है और साथ ही साथ जो है गंगोत्री विहार कैनाल रोड पे, इसी रोड पे तो पूरी तरीके से बिन मुक्त कर दिए गए। और वहाँ पे हम लोगों ने डोर टू डोर सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि कूड़ा जनरली वहीं से आता था, वहीं घरों से, दुकानों से और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स से, तो वहाँ पे जो है वाहनों को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया, जिससे कि लोग जो है वाहनों में ही अपना जो है कचरा देते हैं। और इच्छा के पुलभट्टा थाना पुलिस ने लाखों की टायर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलभट्टा थाना पुलिस के द्वारा मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए के 16 टायर बरामद किए हैं और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा जिले के SP मनोज कात्याल ने पुलभट्टा थाने में करते हुए बताया कि पुलभट्टा थाना पुलिस ने राहुल शर्मा उर्फ बादाम, सलमान उर्फ सुलेमान, मनोज गावा को गिरफ्तार किया है।
व्यापारियों के साथ ठगी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का हम लोगों ने खुलासा किया है और इस गिरोह के द्वारा भोले भाले व्यापारियों को लालच दे के उनसे टायर लिए जाते थे, उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ और उसके बाद ये लोग गायब हो जाते थे, इनके साथ धोखाधड़ी करते थे। तो इस चेन में इन्वॉल्व 3 लोग हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है, एक राहुल, एक सलमान और एक गाबा, 3 लोग हैं ये। और इनमें से 2 लोग राहुल और सलमान जो है व्यापारियों से माल ठगते थे और जो इसमें गाबा जो हैं वो उस माल को ठिकाने लगाते थे। और इन तीनों के गिरफ्तारी से 3 मामलों का खुलासा हुआ और 16 टायर इसमें बरामद हुए जिनकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए है।